राजधानी पटना में कुछ महीने पहले विमेंस कॉलेज के पास ग्रेजुएट चायवाली के नाम से प्रियंका गुप्ता ने स्टॉल लगाकर जमकर सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद यहां से उन्होंने अपना स्टॉल को शिफ्ट कर लिया और वो बोरिंग रोड चली गई थी, फिर अन्य जगह भी स्टॉल खोले। बीच में कुछ दिनों पहले पटना नगर निगम ने उनके ठेले को हटा दिया था। इसके बाद वो लालू प्रसाद यादव के पास तक पहुंच गई थी। अब फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने काम ही बंद करने का फैसला कर लिया है। दरअसल सोमवार को प्रियंका गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गुप्ता ने इस वीडियो में रोते हुए क्या कहा है, आप खुद सुनिए। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, ग्रेजुएट चाय वाली, सो कॉल्ड ग्रेजुएट चाय वाली। हद भूल गए थे अपना, मुझे क्या पता था कि, मुझे लगा था कि हम बिहार में कुछ डिफरेंट कर रहे, तभी तो आप लोग सपोर्ट कर रहे थे ना। लेकिन हम अपना हद भूल गए थे, ये बिहार है बिहार, यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है, होना भी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। यहाँ पटना में बहुत सारा काट लगता है, बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत काम होता है पटना में, शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहां सिस्टम एक्टिव नहीं होता। लेकिन कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, बार बार, हद भूल गए थे ना हम अपना। मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना, बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। जब मुझे नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम वहां कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं कार्ड, तो बार बार मेरा कार्ड बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे उठा लिया जाता है वहां से। हम हार मान गए सिस्टम के सामने। मैंने जिन जिन से फ्रेंचाइजी में, जिन जिन लोगों ने मेरा फ्रेंचाइजी बुक किया है, उनको उनके पैसे वापस करने जा रहे हैं, कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। थैंक यू नगर निगम, थैंक यू बिहार के सिस्टम, आप लोगों ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि लड़की हो घर में रहो, बाहर निकल के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, बिहार है ये। प्रियंका ने वीडियो में रोते हुए आगे कहा कि यहाँ पटना में बहुत सारे ठेले लगते हैं, पटना में अवैध तरीके से बहुत से काम होते हैं, शराब बेची जाती है, लेकिन वहाँ सिस्टम एक्टिव नहीं होता। कोई लड़की अगर अपना व्यवसाय चला रही है तो उसको बार बार परेशान किया जाता है। हद भूल गए थे हम अपनी, मेरी औकात बस चूल्हा चौका तक की है, शादी करके बस अपने घर जाना है, बिजनेस करने का तो हमें कोई अधिकार ही नहीं। दरअसल प्रियंका गुप्ता बैरिंग रोड पर जहाँ ठेला लगाती हैं, वहाँ से अचानक उनका ठेला गायब हो गया। वहाँ बस दो डिब्बे हैं जिसमें शायद चाय के कप या कचरा डाला जाता है। वीडियो में उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया है। वीडियो में प्रियंका ने कहा है कि जब मुझे लगा कि नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिली है तो हम कुछ दिनों के लिए यहाँ ठेला लगा सकते हैं, बार बार मेरे स्टॉल को क्यों उठा लिया जा रहा है, हम हार मान गए हैं इस सिस्टम से, जिसने हम लोगों की फ्रेंचाइजी बुक की है, हम उनको पैसा वापस करने जा रहे हैं, कंपनी बंद करने जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं वापस। अब प्रियंका गुप्ता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुत से लोग प्रियंका गुप्ता के समर्थन में आ गए हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका को उनका ठेला वापस मिलता है या नहीं।